अच्छा ये जो पैच डाल देते हैं अक्सर मैंने देखा है बारिशों से पहले पैच डले थे हमारी सोसाइटी में भी डले थे बेड़ा गर्क हो गया तो इस क्वालिटी ऑफ पैच और वो जो रोड की क्वालिटी होती है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज होता है कराची होता है ना जाहिर है देखें होता क्या है सड़क जब भी कोई तामीर होती है उसका एक प्रोटोकॉल है ना यार उसकी एक इंजीनियरिंग है ना पहले आप उसकी खुदाई देखेंगे कितनी होनी चाहिए ये तो सचिन ट्रिचकुले वाला काम हो रहा है वो जो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी दो नंबर वो इंजीनियर होता है वो ये दो नंबर रोड डालता है सचिन ट्रिचकुले वो वाला काम हो रहा है कराची ये हो रहा है ना अब उसमें होता क्या है कि देखें ना वही वाली बातें हमें इसका एक्सपीरियंस है कि भाई कितनी खुदाई होगी फिर उसकी कंसोलिडेशन होती है उसको दबाया जाता है टेस्ट होता है फिर उसके बाद रोड़ी डलती है रोड़ी के बाद छोटा ग्रेवल डलता है फिर डलता है फिर उसके बाद इसका आपका जो एसफॉल्ट होता है उसकी भी पूरी देखा जाता है इसका तनासुब कितना है डामर कितना है इसमें से कंकर कितना है और फिर उसके बाद उसकी लेयर कितनी है वो सब बनाया जाता है तो सड़क अच्छी बनती है अब फिर मैं भी कहूँगा जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं अब भी बहुत कोशिश कर ली इन्होंने तोड़ तोड़ के लेकिन फिर भी नहीं टूटती हैं इब्न सीना रोड चले जाएँ और चले जाएँ इनकी सड़कें तो पहली बारिश में बह जाती हैं चाहे वो एम फंड से बन रही हों चाहे जो है वो झंडा लगा लगा के मुर्तदा वहाँ बना रहे हों डा डालते थे और फिर ऊपर से अब क्या कर रहे हैं सिर्फ मिट्टी वाला वो डाल के कंक्रीट के उसके साथ कंकरों के साथ मिट्टी डाल के पहले डाल देते हैं ऊपर से जो है कारपेटिंग कर देते हैं तीन के और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जब बारिश होती है वो बह जाता है उसके बाद दूसरा टेंडर हो जाता है तो ये तो हमारी किस्मत तो नहीं है ना भाई कि हम ये इसी तरह इन लोगों के हाथ में दे दें शहर को करना पड़ेगा कुछ